नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों, नेशनल दस्तक क्यों नहीं आया भोजनवुड का ऑडिशन कवर करने? भोजन समाज का कौन सा बड़ा चैनल हो गया है बंद? सारी खबर जानने को मिलेगी, लेकिन आपको ये वीडियो बीच में नहीं छोड़ना होगा, तभी आप जान पाओगे। गाइस, सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है SC ST Act को लेकर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का अब नया फैसला आया है कि SC ST Act में अब जब भी कोई रिपोर्ट दर्ज होगी तो तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी बिना किसी जांच के। आपको पता होगा कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC ST अधिनियम में कुछ संशोधन किए थे, जिसको लेकर 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसमें हमारे कुछ साथी शहीद भी हो गए थे। आज उनकी शहादत रंग लाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दोस्तों, हम जंग जीत चुके हैं। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शिवपुरी में हमारे दो मासूम बच्चों को बेरहमी से लाठी से डंडों से पीटकर मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, वहां उस बात को लेकर संदीप बोध, जो कि खुद एक वकील है, उनका क्या कहना है आप ही सुन लीजिए। एक व्यक्ति को, एक लड़के को सपने में किसी ने कहा, भगवान ने, कि इन बच्चों को और राक्षसों को मार दो, उसने मार दिया। ईश्वर ने आदेश दिया। आप इस गणित को समझने का प्रयास करो। एक छोटी सी घटना नहीं है कि इसको हम इसकी निंदा कर दें, कठोर निंदा कर दें, या कुछ भी कह दें, या गाली दे दें। ये आप एक गणित है। गणित क्या है? धर्म की शास्त्रों के द्वारा या धर्म के नाम पे लोगों के दिमाग में जो भरा जाता है, मतलब उनको यांत्रिक डर है ना, डर है, लालच है, चाहे वो लालच है या डर है, धर्म के नाम पे उनको मशीनरी बनाया जाता है, रिकॉर्डेड किए जाता है उनपे, जाति के नाम पे, कि तुम ऊंचे हो, ऊंचे हो, ऊंचे हो, किसी को तुम नीचे हो, नीचे हो, नीचे हो। इसी दोस्तों, पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इन द कमेंट बॉक्स, वहां से जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, जिन बच्चों को मारा गया है और जिन लोगों के द्वारा मारा गया है ना, हाकिम यादव और रामेश्वर यादव, वो लोग मानसिक गुलाम है, गुलामी में जी रहे हैं। आप लोग उनके बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, क्या आपको पता है ये जो आर्यन से, वो हमारे देश में बाहर से आए थे और हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन मूल निवासी लोगों को हमारे देश से भगाया जा रहा है NCR लगा के। पता ही होगा NCR कानून के बारे में, ये आसाम में और कुछ राज्यों में लगाया जा रहा है, जिससे हमारे देश के मूल निवासी लोग हमारा ही देश छोड़कर चले जाएंगे और बाहर से आए विदेशी लोग यहाँ पर राज करेंगे। भाई, राज करेंगे क्या? राज कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बामसेफ ने एक धरना रखा था, जहां पर एक महिला बहुत अच्छा बोली, यार मुझे उनकी जो भाषण था बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि DNA टेस्ट के आधार पर इस देश में लोगों को रहना चाहिए, जिसका DNA भारतीय होगा, मूल निवासी होगा, वही भारत में रहेगा। तो भाषण सुनो, उनको बोलो तुम्हारा जो बाप है ना राजेंद्र दीक्षित, वो DNA चेक कराए, DNA चेक करा ले अपना। जो यहाँ के मूल निवासी है उनका DNA सबका एक है, ये शायद आप लोगों को मालूम है। राजेंद्र दीक्षित 2000 के अंदर उन्होंने बोला था, और हमारे वामन मेश्राम जी जो मतलब दिन रात नहीं देखते और इस मिशन में इतना लग रहे हैं, तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ, जिस दिन महिलाएं सड़क पे आ जाएगी, हमारे सत्ता होगी। सत्ता का पलट करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है हमें। उनका बाप का नहीं है भारत, बाप मेरे बाप छोड़ के गए। तो भाई, क्या आप भी इस देश के मूल निवासी है? अगर आप इस देश के मूल निवासी है तो नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको एक हार्ट दूंगा। दोस्तों, क्या आपको पता है धाकड़ खबर, जो अकरम रईस खान जी का चैनल है, उसे IT सेल वालों ने, बोले तो BJP के IT सेल वालों ने डिलीट करा दिया है। उसकी सारी वीडियो लगभग डिलीट करा दी है। और दोस्तों, वो चैनल अब यूट्यूब के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं तब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर दिखना बंद हो गया है। और दोस्तों, इस बात की पुष्टि खुद अकरम रईस खान जी ने अपने फेसबुक के पोस्ट के ऊपर करी है, तो आप उनका यह पोस्ट वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, नेशनल दस्तक ने भी ये खबर अपने चैनल पर चलाई है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए प्रूफ के लिए। एक और यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, वो है धाकड़ खबर न्यूज चैनल, जो पिछले 2 से सच्ची खबरों को दिखा रहा था और मोदी के खिलाफ हर वो खबरें दिखा रहा था जो गोदी मीडिया अब तक नहीं दिखा पाती है। और ये चैनल पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अकलियतों के मिसाइल को उठाता था, सही मायने में वो खबर देता था, ब्रेकिंग न्यूज देता था। अकरम रईस खान का ये चैनल हमेशा सच की आवाज उठाता था, लेकिन अचानक इसको बंद कर दिया गया है। धाकड़ खबर न्यूज चैनल जो सबको। दोस्तों, क्या आपको पता है जब दिल्ली में 29 तारीख को बहुजनवुड का ऑडिशन हुआ था, तो उस ऑडिशन को कवर करने के लिए बहुजन समाज के लगभग अधिकतर चैनल गए थे, जैसे कि यूट्यूबी, समता आवाज,
धाकड़ टीवी और दोस्तों बहुत सारे चैनल गए थे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक चैनल वहां पर मिसिंग था जिसका नाम था नेशनल दस्तक। हाँ भाई, शंभू कुमार जी का नेशनल दस्तक वहां पर मिसिंग था, उसने भोजनवुड के ऑडिशन को कवर नहीं करा। दोस्तों क्यों कवर नहीं करा इसका तो मुझे कारण नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं, अपना ओपिनियन दूं, तो बात यही हो सकती है कि जो नेशनल दस्तक के शंभू कुमार जी हैं उनका बहुत से भोजन चैनल विरोध करते हैं उनकी जाति को लेकर। उन्हें कोई ब्राह्मण कहता है, उन्हें कोई चंदाचोर कहता है, मतलब अलग अलग उनके ऊपर इंजाम लगाता है। लेकिन दोस्तों इस बारे में जब तथागत लाइव के अंजुल भैया ने अर्जुन सिंह से पूछा तो उनका क्या जवाब, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों कुछ जरूरी बातें थी जो उन्होंने उस वीडियो में करी थी, वो भी आप देख लीजिए। लेकिन एक ऑडिशन की प्लानिंग करने में काफी लंबा वक्त लगा, और अभी जो रविदास मंदिर वाला जो मैटर हुआ था उस वजह से भी काफी लेट हुए, क्योंकि उस समय नहीं करना चाह रहे थे, नहीं तो वैसे लखनऊ का प्लान था पहले। अच्छा। हाँ, लखनऊ इसीलिए नहीं किया कि यार ये मैटर हो गया था। दूसरा ये है कि अगर हम लोग है ना एक महीने में एक ऑडिशन प्लान करेंगे तो 4-5 महीने निकल जाएंगे, तो बेसिक जो हमें कलाकार चाहिए वो दिल्ली के वाले ऑडिशन से मिल रहे हैं, मतलब 300-400 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी मीडिया वाले आने वाले अपने बहुजन मीडिया सारे? नहीं नहीं, सारे बहुजन मीडिया को नहीं बुलाया। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मीडिया का प्रोग्राम नहीं है, 2-3 चैनल हैं जैसे आपको इन्वाइट किया है कि बस उसमें ये दिखाना है कि ये किस तरीके से ऑडिशन हो रहा है। लिंक कमेंट बॉक्स में, वहां से जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों जैसा कि अंजुल भैया ने जब अर्जुन से पूछा कि आप लोग ने पूरे भोजन मीडिया को बुलाया है, तो उनका कहना था नहीं, पूरे भोजन मीडिया को नहीं बुलाया, केवल 2-3 चैनल को बुलाया है। तो भाई आप लोग मुझे बता सकते हैं नेशनल दस्तक को इन्विटेशन क्यों नहीं दिया भोजनवुड ने? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको एक हार्ट दूंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब मारे, वीडियो को लाइक करे और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले आने वाली हर वीडियो के लिए।